हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर टेक प्रोग्राम माइंड। आज की इस वीडियो में सबसेट सम प्रॉब्लम यूजिंग बैक ट्रैकिंग देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसेट सम प्रॉब्लम होती क्या है और उसको हम एक क्वेश्चन की मदद से सॉल्व करेंगे जिससे हमको इजीली समझ में आएगा। मैं आपको हर लाइन का मतलब हिंदी में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, ठीक है। अब जानते हैं सबसेट सम प्रॉब्लम होती क्या है। स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द प्रॉब्लम इज टू फाइंड अ सबसेट ऑफ अ गिविन सेट एस, ब्रैकेट में दे रखा है S1 S2 अप टू n ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज इक्वल टू द गिवन पॉजिटिव इंटीजर d। मतलब समझिए हम करना क्या है। हमें एक स्ट्रिंग दे रखी होगी, ठीक है। हमें क्या करना है कि वो सारी पॉसिबिलिटी निकालनी है जिसका सम 8 हो लेकिन 8 से ज़्यादा ना हो। समझिए, मतलब इस स्ट्रिंग को हम किस तरह ऐड करें, इस स्ट्रिंग के नंबर को किस तरह ऐड करें जिसका सम 8 आ जाए। याद रखिए, 8 से ज़्यादा ना आए ना 8 से कम आए। अब हमें इसको मालूम है तो आंसर किस तरह आएगा, लेकिन इसको हम एक ट्रिकी मदद सॉल्व करेंगे। लेकिन हम पहले लिख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा ताकि हमें बाद में कन्फ्यूजन ना हो। हमें पता है कि इसका आंसर क्या होगा। हम पहले 1 को ऐड करेंगे, 3 को ऐड करेंगे और 4 को ऐड करेंगे, तो ये 8 हो जाएगा। 1 3 3 और 4 7 और 1 8, तो ये कंडीशन एक तो सेट ये हो गया हमारा, मतलब सेट 1 ये हो गया, सेट 1। अब सेट 2 क्या होगा हमारा। अब देखिए और क्या ऐड करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं 3 और 5 ऐड कर दें तो भी हमारा 8 आ जाएगा। 3 और 5, इसको भी ऐड करने से, 3 और 5 को ऐड करने से 8 पहुंच रहा है। अब इसको क्या करना है, ट्री की मदद सॉल्व करेंगे। मतलब इसके लिए हम ट्री बनाएंगे, ठीक है। अब पहले लिखते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं हम, 0 से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई पहले स्टार्टिंग में कुछ फिल ही नहीं करा हो, मतलब कुछ लिया ही ना हो, उसके लिए हम 0 लेते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, 0 के बाद अब हमें ऐड क्या करना है ट्री में, 1। इसमें हमें पहले एक सेट, तो हमें क्या करना पड़ता है, 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ 1 को इंक्लूड करा, यहाँ लिखा इंक्लूड 1। एक साइड हमें एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड क्या करना है, जो आपको ये नोड वाला एलिमेंट होगा, ठीक है, 0 को एक्सक्लूड कर देना है। यहाँ लिखना पड़ेगा एक्सक्लूड 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, थर्ड, मतलब 3। अब 3 को हमें इंक्लूड करना है। अब 3 को क्यों इंक्लूड करना है, इस तरह इंक्लूड करना है कि हमें 3 को इसमें ऐड करना पड़ेगा। मतलब जो हम 3 इसको एलिमेंट को इसमें इंसर्ट करेंगे ट्री में, उसको हमें इस वाली नोड में ऐड करना पड़ेगा। मतलब 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4 हो गया। हमें इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा 4, 3 को हमने इसमें लिखना क्या पड़ेगा, हमें इंक्लूड 3, ये इंक्लूड 3 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, हमें यह 3 को इंक्लूड करा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक्सक्लूड भी करना पड़ेगा हमें। एक्सक्लूड किसको करना पड़ेगा, मैंने बताया था आपको, 1 को, 1 को एक्सक्लूड कर दिया हमने, एक्सक्लूड लिख देते हैं यहाँ पे। और इसके बाद इस साइड भी हमें 3 को इंक्लूड करना पड़ेगा। 3 को इंक्लूड करना पड़ेगा तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, और 3 को हम 0 में ऐड करेंगे तो सिंपली 3 ही आएगा। इसके बाद मैंने बताया था आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 0 को एक्सक्लूड कर दिया, ये इंक्लूड कर दिया, ये एक्सक्लूड कर दिया, इंक्लूड 3 एक्सक्लूड 0, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, 4 को हमें इंक्लूड करना है। अब 4 को किस तरह इंक्लूड करना है कि हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ 4 प्लस 4 8 होता है, तो यहाँ हम इसको 8 इंक्लूड कर देंगे। यहाँ हमने 8 को इंक्लूड कर दिया। अब इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, एक्सक्लूड यहाँ करा 4, मैं बताया रूट वाले को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने 8 को 8 तक मारा है, और हमारा ये सम, ये डी मतलब यहाँ सम था, मतलब ठीक है, 8 ये भी हमारा 8 है और ये भी हमारा 8 है, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया है। एक सॉल्यूशन हमारा ये वाला हो गया 8, क्योंकि हमने बताया था हमें 8 निकालना है, पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा, पहले पूरा ट्री बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इस पे आई, अब हमें इसमें भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्या 3 इंक्लूड करना पड़ेगा, सॉरी ये 4 था, यहाँ लिख देते इंक्लूड 4 और यहाँ एक्सक्लूड 4। इसके बाद अब यहाँ पे भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ तो 4 1 में 4 इंक्लूड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंक्लूड 4। इसके बाद यहाँ पे हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करा 1, ये 1 को एक्सक्लूड कर दिया, ये 5 है यहाँ पे, ठीक है।
वन को साइड वाला एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड आ गया वन। इसके बाद हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। अब क्या करना है, थ्री में हमें क्या करना है, फोर ऐड करना है। तो थ्री में फोर ऐड करा, सेवन हो गया, ये हो गया सेवन, थ्री प्लस फोर सेवन हो गया, ठीक है। इसके बाद इंक्लूड लिख दिया यहाँ पे, इंक्लूड फोर, ठीक है। अब यहाँ एक्सक्लूड करना पड़ेगा थ्री, ये वाला एक्सक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पर, एक्सक्लूड कर दिया थ्री। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें थ्री ऐड करना पड़ेगा, जीरो में थ्री ऐड करेंगे तो सिंपली थ्री ही आएगा, सॉरी फोर ऐड करेंगे तो फोर ही आएगा, फोर आ गया। और यहाँ जीरो को जीरो ही आएगा, यहाँ लिख दे इंक्लूड फोर एक्सक्लूड फोर। राइटिंग समझ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज सॉल्व यूज करिए, लेकिन समझ लेना बस। इसके बाद ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फाइव। अब हमें फाइव को इंसर्ट करना है। अब देखिए यहाँ फाइव इस वाले पॉइंट पे आते हैं स्टार्टिंग पे। अब हम यहाँ फाइव को तो इंसर्ट करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ एट आ गया, पॉसिबल वैल्यू आ गई एट। इसमें हम फाइव, अगर मान लिया एट प्लस फाइव करते हैं कितना हो जाएगा, एट प्लस फाइव थर्टीन हो जाएगा, जो हमारा ज़्यादा है किससे, इससे। तो इसमें हम करेंगे नहीं। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए फोर क्या करा, फोर प्लस फाइव करा तो ये कितना हो गया नाइन, तो ये भी इससे ज़्यादा है सम से, तो हमें ये वाला भी नहीं लेना है। अब देखिए इस पे आते हैं, अब फाइव को, फाइव को फाइव में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये टेन आ जाएगा, फाइव प्लस फाइव, तो हमें सिंपली ये वाला भी नहीं लेना है। अब इस पे आते हैं, हमें यहाँ इंक्लूड करते हैं, क्योंकि यहाँ यहाँ पे देखिए अब वन में फाइव को ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा सिक्स, वन प्लस फाइव कितना हो गया सिक्स हो गया, तो यहाँ सिक्स आ गया। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंक्लूड फाइव, ठीक है, ये अलग है यहाँ से, ये सिर्फ सम के लिए दिखाया मैंने। इसके बाद यहाँ में एक्सक्लूड करना पड़ेगा, एक्सक्लूड के लिए वन लिख दिया, इस वाले को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब सेवन में देखिए, सेवन में हम इंक्लूड तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि सेवन तो ऑलरेडी दे रखा है, और फाइव ऐड करेंगे तो सम ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये हो गया फाइव प्लस सेवन कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा थर्टीन, तो इसको भी नहीं लेंगे। इसके बाद थ्री पे आए, थ्री पे हम कर सकते हैं क्योंकि फाइव प्लस थ्री कितना हो गया एट, तो यहाँ लिखा इंक्लूड फाइव। इसके बाद यहाँ एक्सक्लूड करना पड़ेगा, थ्री एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड लिख दिया सिंपली। अब यहाँ फोर ऐड करते हैं, फोर में अगर हम फाइव ऐड करेंगे तो नाइन हो जाएगा सम, तो ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है, ये वाला छोड़ देंगे हम। और यहाँ जीरो पे, अब जीरो पे देखिए क्या करना है, जीरो पे हमें यहाँ पे फाइव, फाइव को ऐड करना पड़ेगा या एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देते हैं सिंपली, फाइव ही आएगा और जीरो का जीरो ही आएगा, ठीक है, या इंक्लूड लिख दिया या एक्सक्लूड लिख दिया। अब पॉसिबल, ये तो हमारे ट्री बन गया, अब पॉसिबल वैल्यू क्या है हमारा, आंसर हमें पता है कि आंसर हमें ये आना है। अब इसको देखिए कैसे आना है, यहाँ हमारा एट पहुँच गया, एक पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ हो गई और एक पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ हो गई, मैं बताना भूल गया। अब देखिए पहला आंसर क्या है हमारा, इंक्लूड वन थ्री फोर, ये यहाँ ना देखिए इस थ्री से चलिए, यहाँ से चला वन थ्री फोर, इनका एक सोल्यूशन हमारा ये आ गया, ठीक है, ये यहाँ से लेके ये एक सॉल्यूशन ये वाला आ गया, आपको सिंपली इस तरह लिख लेना है वन थ्री फोर। इसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन कहाँ पहुँचा हमारा, नेक्स्ट सॉल्यूशन हमारा देखिए ये वाला पहुँचा, इंक्लूड थ्री, एक तो ये वाली लाइन आ गई इंक्लूड ये वाला थ्री, और एक ये वाला एक्सक्लूड फाइव वाला आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा सबसेट सम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। और देखिए और कहीं भी एट नहीं पहुंच रहा होगा सब, सिर्फ इन दो पोजीशन पे ही एट पहुंच रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि सबसेट सम प्रॉब्लम क्या होती है, किस तरह सॉल्व करते हैं। अभी भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।